ऑपरेशन आशा ने बहुत बहुत जोश के साथ, बहुत जिंदा दिली के साथ टीबी के मरीजों का इलाज किया है। और हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं मरीज को नहीं जाना है दवाई खाने, हम मरीज के पास पहुंचेंगे। तो गली गली पान की दुकान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, हम आपकी दवाई रखेंगे। आपको अपनी रोजी रोटी नहीं छोड़नी, आपको लाइनों में नहीं लगना है अस्पताल में। हमारे हेल्थ वर्कर आपका दवाई खिलाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये टीबी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे देश में हर साल 20 लाख लोगों को टीबी हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का हिस्सा बनाया, इम्पॉर्टेंट विषय और वर्ल्ड टीबी डे है, तो उस पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि टीबी एक ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आप ठीक ना कर सको। अगर आप प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेते हो, डोज लेते हो, तो इससे कम्प्लीटली क्योरेबल। तो प्लीज़ टेक योर मेडिसिन एंड बी सुपर फिट। हमारी फिल्म आ रही है 7 अप्रैल को मिर्ज़ा जूलियट, तो मैं प्रिया वाजपेयी जूलियट और ये है हमारे मिर्ज़ा साहब। और बहुत अच्छी फिल्म है, छोटी है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑपरेशन आशा, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है कि यू नो इतना बढ़िया और इसको आगे ले जा रहे हैं। और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको टीबी हुई थी मेरे जान पहचान में, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद वो बिल्कुल अब फिट हैं। और जो हम आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, जिम कर पाते हैं, या जो नॉर्मल लाइफ जीना है वो बहुत इजीली आराम से यू नो उसको सर्वाइव कर पा रहे हैं। और आई थिंक आप ये दिल से बहम निकाल दें कि ये इसका इलाज नहीं है और टेंशन लेने, आई थिंक मेडिसिन लेने से ये ठीक हो जाएगी। इसलिए मिर्ज़ा जूलियट है एंड मैं मिर्ज़ा प्ले कर रहा हूँ, पिया जूलियट प्ले कर रही है इसमें। और इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, आज की मॉडर्न यू नो लव स्टोरी है जिसमें कन्फ्यूजन है, प्यार है और प्रैक्टिकलिटी भी है। और आई थिंक यू नो एक्शन ड्रामा हर चीज़ है, तो ये इट्स अ फुल एंटरटेनमेंट फिल्म। एंड मोर ओवर इट हैज़ नथिंग टू डू विद रोमियो जूलियट। फिल्म में बस ऐसा हो गया है कि दो कैरेक्टर है जिनका नाम मिर्ज़ा है और एक जूलियट है, बट इट इज़ नथिंग टू डू विद द रोमियो जूलियट। मैंने अभी सुना कोई बोल रहा था जैसे रोमियो जूलियट था वैसे मिर्ज़ा जूलियट, ऐसा कुछ भी नहीं है, सो डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। इंपॉर्ट नहीं है, तो एक इंसान तो टीबी का इलाज नहीं कर सकता, एक ऑपरेशन आशा कुछ नहीं कर सकता, वी नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो हमारी जो फिल्म स्टार्स हैं इन्होंने अपना बिजी शेड्यूल छोड़ा और ये अपनी जो अहमियत है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनका जो लोगों में प्यार है, उसको वो इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं कि टीबी का मैसेज लोगों तक पहुंचे कि डरो मत, हिम्मत रखो। एम आई राइट और नॉट? डरो मत, हिम्मत रखो। और ये मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, आई थिंक इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और मैं चाहती हूँ इनको इतनी ज़्यादा कामयाबी मिले कि देवानंद और मधुबाला को लोग भूल जाएं। हम तो पुराने ज़माने के हैं, पर जो हमारे डेज में एक्टर्स का जो करिश्मा होता था, मैं चाहती हूँ ये उनसे बहुत आगे निकले, इनको बहुत बहुत ऊपर वाला इनको बहुत तरक्की दे और ये बिगेस्ट स्टार ऑफ द वर्ल्ड बने, सीधे ऑस्कर रेड कार्पेट पर पहुंचे किसी दिन। थैंक यू सो मच, दैट इज व्हाट आई वांट। थैंक यू।